बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ पालक गोश्त रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। स्टार्ट करते हैं जी। तो जो बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पालक गोश्त, सबसे पहले हाफ के जी बीफ का गोश्त लिया है। इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ और ये स्लाइस में। इसके साथ में इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है, इसको भर के ऐड कीजिएगा। अब इसके साथ में बाकी चीज़ें भी हम ऐड कर रहे हैं। इसके साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 अदद बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का, हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साथ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, 1 खाने का चम्मच ये चला गया। रेड चिली पाउडर मैं इसमें स्पाइस के मुताबिक इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम कर लेंगे थोड़ा मिक्स। मैं नमक ऐड कर रही हूँ मज़े जायका। इसके साथ जो है इसमें मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हम गलाएंगे। देख सकते हैं हमारा गोश्त है गल रहा है। ठीक है, इसको हम गलाएंगे और भी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे पालक लिया है मैंने, ठीक है, 700 ग्राम है। और अब इसके साथ जो है मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। अब इसको हम जो है कुक कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने जो 1/2 कप पानी डाला था वो, इसके अलावा जो है पालक ने अपना पानी भी इसमें से निकाला है। तो अब जो है इस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी बादियान के फूल 2 अदद, 1 टुकड़ा छोटी दालचीनी का है और 3 मेरे पास छोटी इलायची है। इसके साथ जो है इसके साथ में टमाटर इसमें ऐड करूँगी। पहले इसको चला लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं चॉप टमाटर ऐड कर रही हूँ 3 अदद दरमियानी साइज़ के। तो आइए, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम स्पून की मदद से तरीके से इसको मैश कर लें। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें हम स्पाइस ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। मैंने गोश्त को बॉइल कर, जो मैंने पकाया है गोश्त को पहले, उसमें भी मैंने ऐड किया है, तो स्पाइस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप। ये मेरे पास जो है सफेद जीरा है, साबुत मैं ऐड कर रही हूँ उसमें 1/2 टीस्पून। इसके साथ में इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे जी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप हरी मिर्चें 3 से 4। इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी 1/2 कप। अब मैं इसको कुक करूँगी। तो मैंने उसको 2 से 3 मिनट कुक किया और अब इसमें मैं गोश्त को ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से थोड़े मसाले डाल के आपके सामने कुक किया था। अब मैं इसमें वो गोश्त ऐड कर रही हूँ। ये वो गोश्त है जो मैंने आपके सामने तैयार किया था। इसमें से जो तेज़ पत्ते थे वो मैंने निकाल लिए। ठीक है, उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, उसको 3 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ्राई की हुई प्याज ऐड करूँगी। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने फ्राई करके चूड़ा कर लिया है। इसके साथ में इसमें दही भी ऐड करूँगी, मेरे पास 1/2 कप दही है। इसको मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मैं पालक भी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं पालक को निकाल लिए, थोड़ा सा पानी बाकी है अभी।
ओके, अब इसको डालने के बाद भी हम इसको भी भून लेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसको इस तरीके से भून लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी स्टॉक, बीफ स्टॉक है, बीफ की यखनी है मेरे पास, एक कप है, इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप नॉर्मली पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा कुक करेंगे। देखिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, चूँकि मैं गोश्त में ऐड कर चुकी हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें भी कर रही हूँ। आप टेस्ट करने के बाद उसमें ऐड कीजिएगा। इसको कुक कर लेंगे थोड़ा सा जी। तो मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर एक खाने का चम्मच, और ये घर में पिसा हुआ गरम मसाला है, फ्रेश आप पीसेंगे तो उसका फ्लेवर ही और आएगा। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, ठीक है, और 3 मिनट उसको कुक होने देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे पालक गोश्त में आ जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चॉप हरा धनिया, और अब इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। जी तो अब इसको सर्व कर रहे हैं। जी तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ पालक गोश्त रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी रेडी है। इसको आप चपाती के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की है, बहुत न्यू जायके में है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आई है तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, और साथ हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।